आशा वर्कर को अपने कार्य क्षेत्र में होना चाहिए था, उसके बाद अपने बच्चों में ध्यान लगाना चाहिए था। उन सब चीज़ों को छोड़कर आज आशा वर्कर अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए और जानकारी करते हैं। मैडम आपका नाम? पूनम है, मैं इंदरपुरी से आई हूँ। आप पूनम, आपके जो कार्य क्षेत्र है वो कितना दिया जाता है? बहुत दिया जाता है, हमें हर महीने सर्वे करने के लिए 2000 की पॉपुलेशन पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें 400 घर हमारे अंडर में आते हैं। 2000 की पॉपुलेशन होती है, उस पर काम करते हैं, उनके पिता के नाम के सर्वे, कभी कुछ, सभी बच्चों का टीकाकरण, सारी गर्भवती महिलाओं का इलाज कराना, पूरी उनको विजिट करवाना, सारा उनका पूरा ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे वो कुछ भी हो, उनको अस्पताल में ले जाके हम लोग उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। 2000 की पॉपुलेशन को स्वस्थ रखने का काम हम जब करते हैं, इतना बड़ा जिम्मा हम उठाते हैं, उसके लिए हमारा वेतन बिल्कुल ना के बराबर है, और हम जैसे हड़ताल पर बैठे हैं तब तक बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्या मजबूरी है कि आप एक छोटे से वेतन के लिए आप इतना समय लगाती हैं? मजबूरी तो क्या है, हमें अपने बच्चे भी देखने होते हैं, सब कुछ देखना होता है, उनको निकल के हम पूरे टाइम काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने आसपास का क्षेत्र मिलता है वहीं पर काम करते हैं, और उनको भी ले जाते हैं साथ में, अपने बच्चे भी देखते हैं, इसलिए यही मजबूरी हमारी कि हमें इतने कम वेतन पर काम करना पड़ता है, जिसका फायदा नाजायज सरकार उठाती है, काम हमसे चौगुना लेती है और तनख्वाह सिर्फ एक गुनी भी। अभी बताया कि जो कार्य क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, और उसके अंदर वो टीकाकरण का भी काम होता है, गर्भवती महिला को भी हॉस्पिटल ले जाना होता है। जब आप अजनबी घर के अंदर जाते हैं तो आपके साथ वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं? कई बार तो हमें दरवाजे से भगा देते हैं वो लोग, और फिर हम ना उनसे अच्छी तरह बातें करते हैं, फिर उनकी समझ में आ जाती है, दो तीन बार जाके उनको प्यार से मनाते हैं, जब जाके वो मानते हैं, फिर उसके बाद वो मान जाते, फिर उनको हम बताते हैं सारी समस्या, भाई हम कहाँ से आए हैं, आशा वर्कर हैं, डिस्पेंसरी से, तो फिर उनको हम सारा कुछ बता देते हैं। जब आप हॉस्पिटल के अंदर जब महिला को गर्भवती महिला को ले जाते हैं तो हॉस्पिटल का रवैया आपके साथ में क्या रहता है? बिल्कुल बहुत बेकार रहता है, बिल्कुल ठीक नहीं रहता, और बदतमीजी से बोलते हैं, आशा वर्कर की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल ये सोचते हैं कि आशा वर्कर तो घर से वैसे ही उठ के आ गई है, इनके घर में कोई काम नहीं है, वो ये सोचते हैं। अभी इन्होंने बताया कि वो जहां हम घर में जाते हैं और हॉस्पिटल में उन महिलाओं को ले जाते हैं तो वो महिला इसलिए टॉर्चर करती हैं, और जो वहां के डॉक्टर होते हैं वो या ANS होती हैं वो आप लोगों को टॉर्चर करती हैं, क्या कारण है टॉर्चर करने का? टॉर्चर करने का यही कारण है, हमारी कोई वैल्यू समझी नहीं जाती, वो हमें कोई पद पे ही नहीं जानती, अगर हमारा कोई ओहदा होगा तो वो हमारी वैल्यू करेंगी ना, जब हमें कोई पोजीशन नहीं, ना ढंग से बैठने के लिए कमरा, कोई सुविधा नहीं दे रखी है, तो हमारी वैल्यू क्या करेंगी? हम इतनी मुश्किलों से ऐसे अनपढ़ घरों में जाते हैं जहाँ बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, उनको जाके 10 बार नहीं बस 20 बार जाके समझाते हैं, आइए अपने स्वास्थ्य के लिए फ्री सुविधाएं उपलब्ध है स्वास्थ्य केंद्र में, उनकी जानकारी देते हैं, घसीट के वहाँ तक लेके आते हैं, फिर उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता है, हमारे साथ हमारी कोई इज्जत नहीं होती है, तो वो हमारे साथ पेशेंट आने को तैयार ही नहीं होते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हमें इधर से भी पिसना पड़ता है, उधर से भी वेतन भी कुछ नहीं है, और अभद्र व्यवहार भी सहना पड़ता है। मुख्य मांगे आपके क्या है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए? हमारी मुख्य मांगे तो वेतन को लेके है, हमारा फिक्स वेतन कम से कम 10,000 होना चाहिए, हमें PF की सुविधा होनी चाहिए, ताकि हम जब एक एज पर आए तब भी हमें अपने भरण पोषण के लिए पैसा भरपूर मिलता रहे। दूसरा हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, हम सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, पता नहीं होता कब आएंगे कब नहीं, ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते हैं पेशेंटों को लेकर, कब क्या हादसा हो जाए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसलिए सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा इंश्योरेंस जरूर किया जाए।